हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रीम नेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के 5 स्कैरी फीमेल सुपरस्टार के बारे में, जिसे देखकर आप लोग जरूर डर जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, बुल नाकानो। गाइस, ये थे डब्ल्यूडब्ल्यूई की पहली जापानीज फीमेल रेसलर। इस फीमेल रेसलर को सबसे खतरनाक बनाती थी उनकी फेस और फेस में करा हुआ पेंट। इसके बाद नाकानो उनके हर अपोनेंट को सबमिशन होल्ड से बैन कर देते थे। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वुमेन चैम्पियनशिप भी जीती थी और उस चैम्पियनशिप उन्होंने 5 मंथ सक्सेसफुली डिफेंड भी किए थे। नंबर 2, कर्मा, ऑल्सो नोन एज ऑसम कॉन्ग। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर 2011 में डेब्यू किए थे और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की फीमेल रोस्टर को डिस्ट्रॉय करना चालू किया। कोई भी उनको रोक नहीं पाता था और कर्मा का बैक स्टेज पे जो प्रोमो होता था वो बहुत ही खतरनाक होता था, स्पेशली उनकी लाफ। इसके अलावा भी कर्मा का जो साइज था, अरे कहना क्या चाहते हो, उनके शरीर, इसी के वजह से कर्मा हर रेसलर को धूल चटा देते थे और वो आज डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलर में से एक है। नंबर 3, एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस का पहली बार भयानक रूप देखने को मिला था एक्सट्रीम रूल्स पर, जब द फिन का मैच हो रहा था रेंडी ऑर्टन के साथ, और इसके बाद मानो एलेक्सा ब्लिस फिन के साथ मिलकर तबाही मचा दी। एलेक्सा ब्लिस को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाते हैं, नंबर 1, उनके क्रीपी लुक। नंबर 2, हर सेकंड में उनके बदलते हुए मूड। मतलब एलेक्सा ब्लिस को हर सेकंड में उनका मूड, उनके इमोशन, उनके एटीट्यूड बदल जाता है। उनको कभी होती है खुशी, कभी होती है गम, और कभी तो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कभी रोने भी लगते हैं। बहुत ही अजीब गरीब कैरेक्टर है ये। नंबर 2, एरियल। लुक्स के साथ साथ एरियल की एंट्री भी बहुत ही खतरनाक होता था। रिंग रोप पर झूलते हुए एक फीमेल वैम्पायर जैसा दिखता था और इसके अलावा भी उनका रेसलिंग स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा अलग भी था, और जब उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता था तब रेसलर को बहुत ज़्यादा पंच करते थे, और जब केविन थ्रोन के साथ उनका जब रोमांस होता था, ये रोमांस है कि क्या मुझे नहीं पता, तब ये देखने को और भी ज़्यादा खतरनाक लगता था। नंबर 1, शेरी मॉर्टेल। और उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्कैरी मॉर्टेल भी बोला जाता था। उसके मेन रीज़न थे उनका मेकअप और उनके जो वॉइस थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे, और शेरी मॉर्टेल के हाथों से कोई भी नहीं बच पाता था, वो फीमेल रेसलर हो या फिर कोई मेल रेसलर हो, क्योंकि वो सबको अटैक करते थे। और गाइस, यही तक था आज का हमारा ये वीडियो, और आप मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा इस 5 सुपरस्टार में से सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार किसको लगा आपको, प्लीज़ कमेंट पे बताइए। और ये वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हो अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।